सो गाइज, बहुत सारे कमेंट यही थे। आप लैग्स का वर्कआउट तो पूछ रहे थे, और जो आपकी इंजरी हो रही है बैक में लैग्स का वर्कआउट करते हुए, वो क्यों हो रही है? बहुत सारी लोगों के मैसेज थे कि सर लैग्स के बारे में जो वर्कआउट से पहले कैसे वार्म करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है कि क्या 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 बेसिक चीज़ें होती हैं, कैसे अपने आप को लैग्स की मसल्स को, अपनी क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग कैसे कैसे उसको इंक्रीज़ करोगे, तो इस बारे में वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। मैं ना सुहेल, और आप देख रहे हैं सुहेल फिटनेस मोटिवेशन। तो मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। ये वीडियो है लैग्स वर्कआउट से पहले आप कैसे वार्म अप करेंगे, क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं जो आपको इंजरी से बचाएंगी कि इंजरी ना हो, और आपका जो मसल्स है, जो हैमस्ट्रिंग है, क्वाड्स है, उसमें अच्छे से ब्लड सप्लाई हो, उसके बाद ही आप वर्कआउट करना स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि यार गलतियाँ बहुत करते हैं, बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। कोई भी शूज़ पहन के लैग्स का वर्कआउट करना स्टार्ट करते थे लोग, तो ऐसा नहीं होता है। बेसिकली सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो शूज़ है, मैं शूज़ भी आपको दिखाऊंगा अपना, जो उसका सोल होना चाहिए वो थोड़ा हार्ड होना चाहिए, और सॉफ्ट जो शूज़ होते हैं उससे आप लैग्स वर्कआउट ना करें, इंजरी बहुत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेसिक और चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यार पहली एक्सरसाइज कौन सी होगी, 10-10 सेकंड का स्ट्रेचिंग करना है, और अपने जो भी मसल्स के आप हिट करने वाले हो उसमें ब्लड सप्लाई करना है, अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए उसके अंदर, तभी आपका मसल्स ग्रो होता है। डायरेक्टली क्या देखता हूँ, मोस्टली मैं देखता हूँ कि लोग आते हैं, कुछ वार्म अप नहीं, सीधा स्क्वाट्स लगाने स्टार्ट कर देते हैं। बहुत चांसेस हैं इंजरी होने के, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ कि यार वार्म अप कैसे करना है, और उसके बाद ही आप लैग्स वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट थिंग आई कैन शो यू माई, जो शूज़ का सॉल है बहुत हार्ड है, कोई गद्दी नहीं है इसके अंदर, जिसकी वजह से आप लेग्स में जो वर्कआउट करते समय इंजरी हो जाने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो सॉल हो शूज़ का वो थोड़ा हार्ड हो। और पहला आपको एक्सरसाइज करना है, पहले आप करेंगे कोबरा स्ट्रेच। आप सीधा ऐसे लेटेंगे, अपनी जो लोअर बैक में आप सप्लाई करना है, ब्लड सप्लाई करना है अच्छे से, जिससे कि आपकी लोअर बैक तैयार हो जाए। आप उस पर वेट डालने वाले हो, वजन कम डालने वाले हो, उस पर स्ट्रेस डालने वाले हो, तो आपको 10 सेकंड सबसे पहले आपको यही करना है। ये सामने आप रखने हैं और इतना उठना है, सीधा सर ऊपर रहेगा। तो 10-10-15 सेकंड के लिए आपको स्ट्रेचिंग करना है अपने लोअर बैक के लिए। सेकेंड आपको दूसरा, ये दो से तीन सेकेंड आपका रहेगा लाइक दिस। ये आपको इसको 10-10, 12-12 के रेपिटेशन दो बार लगाने हैं, जिससे कि आपका जो मसल्स है, आपका लोअर बैक, सबसे ज़्यादा इंजरी होता है लेग्स वर्कआउट में लोअर बैक। अब बात करता हूँ कॉट, आपके हैमस्ट्रिंग की। ये एक पैर पीछे रखेंगे, एक पैर आगे रखेंगे, स्ट्रेच देंगे अपने हैमस्ट्रिंग पे आराम से। ये स्ट्रेच होना चाहिए, सीधे रहेंगे थोड़ा 5-10 सेकंड के लिए, तो रोकना है यहाँ पे, फिर सेकंड ऐसे ही करना है, यहाँ पे स्ट्रेच देना है पूरा। ये बहुत ज़रूरी है, आप जब कॉट्स करने के लिए, उसको स्क्वाट्स लगाने के लिए जाते हो, तो आपका हैमस्ट्रिंग, आपका कॉट, ये पूरा इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको दो बार करना है। ये आपके ग्लूट एक्टिवेट हो रहे हैं, ग्लूट बहुत ज़रूरी है, ग्लूट भी एक्टिवेट, मसल्स में ब्लड सप्लाई करना। आपको अटैच हो रहा है, बहुत सीधे रहना है, आपका ऑल ये थाइज, ग्लूट्स सब एक्टिव हो रहे हैं, जिससे कि आपकी मसल्स जो आप ट्रेन करने वाले हो उसमें अब अच्छे से आप वर्कआउट कर पाओगे, आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत कम है। और एक्सरसाइज है दूसरी आपको बताना है,
ये स्ट्रेचिंग आपको और कुछ एक्सरसाइज बताई हैं जो आपको हमेशा लेग्स वर्कआउट से पहले करनी है, वार्म अप के साथ साथ स्ट्रेचिंग। और एक चीज़ और आपको बताने वाला हूँ, आपको बेनिफिट मिलेगा आपके लेग्स का जो साइज़ है ग्रो करने में, क्योंकि जैसे आप पहला सेट लगाओगे लेग्स का, स्क्वाट्स लगाओगे, सबसे पहले मोस्टली जो स्टार्ट करते हैं स्क्वाट्स से करते हैं, तो आपको 25-25 विदाउट वेट यानी बॉडी वेट का आपको स्क्वाट्स लगाने हैं, बॉडी वेट लाइक दिस। इस तरीके का बॉडी वेट का 25 रेपिटेशन आपको सिर्फ 25 के दो सेट लगाने हैं। तो ये पूरी तरीके से आपका ये वार्म अप हो चुका है लेग्स का। अब अगर मेरे चैनल पे नहीं हो, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना कैसा लगा वीडियो, और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।